हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग जो पर डे विशेष जनरेटेड वेबसाइट होते हैं उसको कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये बहुत सारे वेबसाइट बनी हुई हैं, तो इस तरह से हम कैसे बना सकते हैं जिसमें हमको जो हमारा नाम होता है उसमें और जो भेजने वाला और जो प्राप्त करने वाला दोनों का नाम होता है और जनरेट करते हैं यहाँ पर, तो आपको अलग अलग तरह से क्या होगा हैप्पी बर्थडे का विशेष होता है वो आता है, तो इसको कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा चैट जीपीटी की मदद से 5 मिनट के अंदर में। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर चैट जीपीटी सर्च करना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा, एक प्रॉम्प्ट देना होगा क्या क्रिएट ई, और यहाँ पे लिखेंगे बर्थडे विशेष। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बर्थडे विशेष जनरेटर वेबसाइट यूजिंग एल सी एस एस एंड जावा। प्रेस करेंगे तो आपको देखेंगे ये वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो HTML का हमारा कोड मिल गया, अभी हमारा उसके बाद सी एस एस का भी मिल गया है नीचे, फिर JavaScript का हमारा कोड मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आऊँगा ऊपर यहाँ पे HTML कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ आऊँगा मैं कोड पेन में, तो कोड पेन के अंदर आके मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो ऑलरेडी इसमें कुछ कोड होते हैं HTML के, तो उड़ाना होगा, यहाँ उड़ा दिया और इसको पेस्ट कर दिया। अभी देखेंगे इसका लुक बदल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ देख रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, थोड़ा हर बार अलग अलग कोड मिलेगा इसका, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसके अंदर आएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, ये हो गए। आप इसको ब्लॉगर में यूज कर सकते हैं, मैं ब्लॉगर में यूज करके दिखाऊंगा। फिर हमारा यहाँ पे है JavaScript कोड, यहाँ पे आएंगे और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे, हो गया काम। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको पूरा तैयार हो गए हैं। आपको उसका नाम लिखना है जिसको बर्थडे आप विश करना है। इसे मान लीजिए अगर किसी मेरे फ्रेंड का नाम है पंकज, मैं उसको विश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया विशिंग यू डे फील विथ लव सरप्राइज पंकज हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हर बार अलग अलग आएगा। अभी देखिए हैप्पी बर्थडे पंकज मे यो, मतलब अलग अलग हर बार आएगा। मैं चाहता हूँ इस कोड को मैं ब्लॉगर में यूज़ करूँ, तो ब्लॉगर में यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लॉगर डॉट कॉम ओपन करना पड़ेगा। ओपन हो गया, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं पेज ओपन कर रहा हूँ या पोस्ट भी कर सकता हूँ, तो न्यू पोस्ट पर क्रिएट करूँगा। और सबसे पहले तो मैं इसका जो टाइटल वो कॉपी करूँगा हैप्पी बर्थडे जनरेटर, तो यहाँ पे आऊँगा, इसको यूज करके मैं अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ भी हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा पूरे कोड को, तो HTML का पूरा कोड यहाँ से लिया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पर आने के बाद से मैं इसके अंदर आके पेस्ट कर दूँगा। देखेंगे ये मेरा कोड पेस्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो इसका स्टाइल है उसको चेंज करना है, तो स्टाइल चेंज करने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए मुझे ये वाला कोड जो सी एस एस का, इसको कॉपी करना है, फिर यहाँ आना है और इसको उड़ा के पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो पेस्ट कैसे करेंगे, स्टाइल कैसे करेंगे, तो HTYL स्टाइल लिख दीजिए इसको, और फिर इसको क्लोज भी करना रहेगा, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ पर स्टाइल लिख दीजिए। ठीक है, और इसके अंदर ही क्या करना है, पूरा कोड पेस्ट करना होता है, तो कंट्रोल वी के पेस्ट कर दीजिए। अब रहा आपका JavaScript कोड, तो यहाँ पे आइए और इसको पूरे कोड को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइए और फिर नीचे JavaScript लिखा हुआ है इसके अंदर हटा दीजिए सबको, और हटाने के बाद से इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसको हम प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं, और कैसा दिखेगा, अब ये दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो उसका हाइट है बहुत ही लो है, यानी कि ऊपर ही दिखेगा, तो शायद मे भी ना दिखे, देखिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैं यहाँ पर गड़बड़ किया है कुछ। तो यहाँ मुझे अगर 400 कर देता हूँ हाइट, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो आपको दिखेगा हैप्पी बर्थडे विशेष, तभी लोडिंग ले रहा है और ये आपका ऊपर से दिखेगा, देखिए हमारा बन गया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको चाहता हूँ कि यहाँ पे पब्लिश कर दूँ ताकि मैं इसको यूज कर पाऊँ, तो यहाँ पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ मिल जाएगा, तो अब यहाँ पर मैं इसको व्यू कर सकता हूँ, यहाँ पर आऊँगा और इसको व्यू करूँगा। आप देखेंगे उसका नाम लिखेंगे अपना, जो भी नाम है जिसका, इस मान लीजिए आपका नाम पंकज है तो पंकज लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जनरेट विश कर देंगे, ताकि आपका हैप्पी बर्थडे विशेज आ गया। यहाँ पे हर बार अलग अलग है, इसका करेंगे यहाँ से देख रहे हैं, हर बार आपको अलग अलग मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार मिलेगा, जितनी बार करेंगे उतनी बार अलग अलग आपका नाम से आएगा। तो यह होता है हैप्पी बर्थडे विशेज जनरेट वेबसाइट, जिसको आप लागर में यूज़ कर सकते हैं। कोड पेन की मदद से हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, चैट जीपीटी की मदद से हमने कोड लिखा था, तीन चीज़ का यूज़ किया और आपका वेबसाइट बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह के वेबसाइट को।